आज तो थक गई बहुत सारा काम करके। ये सुमन पता नहीं क्या कर रही होगी, इसको बुलाती हूँ। सुमन, ओ सुमन, एक गिलास पानी तो लेके आ। हाँ आती हूँ। ये भाभी की पल भी चैन नहीं है, सारे दिन काम काम काम। हाँ भाभी, आपने बुलाया? हाँ सुमन, एक गिलास पानी ला दे। भाभी थोड़ा शर्म करो, सारा दिन काम काम करवाते रहते हो, ये नहीं कि खुद भी कर लो। पर नहीं, सुमन ये कर, सुमन वो कर, थक गई हूँ सारा काम कर करके। शर्म तू कर ले जो बड़ों से जुमान लड़ा रही है। आने से पहले मैंने कितना काम किया तुझे पता भी है? अरे तू। हाँ तो ठीक है ना, मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ ना। छोटी किसी के सामने इतना नहीं बोलती जितना तू बोल रही है। आपको जब देखो तब लड़ना ही होता है। थक गई हूँ काम करते करते। एक काम करती हूँ, माँ को फोन लगाती हूँ। सारा दिन लड़ती रहती मुझसे भाभी, इनका तो कुछ करना पड़ेगा। हेलो माँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ, बस अपनी जिठानी जी से बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, मेरी जिठानी सारा सारा दिन मुझसे झगड़ा करती रहती है और मैं क्या करूँ माँ, अब कोई आप उपाय बता दो। तो ये बात है। अच्छा ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुझे एक चमत्कारी पानी भिजवा रही हूँ, जब तेरी जिठानी झगड़ा करे तो एक घूंट पानी अपने मुंह में भर लेना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है माँ। छोटी खाना तू आज बना लेना, मैं जरूर काम से बाहर जा रही हूँ, ठीक है? आज कुछ बोल क्यों नहीं रही है, वरना जरा कुछ कहो तो काटने को दौड़ती है। ओ मैडम, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? आज इतना चुप कैसे? मारानी, फोन का काम खत्म हो जाए तो खाना भी बना लेना। रोज खाना मैं ही बनाती हूँ और तू यहाँ वहां खिसक जाती है। अरे ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है, ये सुधर जाए ऐसा लग तो नहीं रहा है। चल ठीक है, मैं जा रही हूँ और जल्दी वापस आऊंगी, ठीक है? और तू खाना बना लेना, ओके? ये छोटी को क्या हुआ, कभी तो ऐसा नहीं करती है, आज ये इतनी चुप कैसे? कभी कुछ कहो तो लड़ने को दौड़ती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे रिश्ते को ठीक करना चाहती हो? अगर ऐसा है तो मैं पीछे क्यों हटूं? तब तो मैं कितना बोल गई, मुझे नहीं बोलना चाहिए था इतना। जब वो छोटी होकर एक नई शुरुआत कर रही है तो मैं पीछे क्यों हटूं? चलो मैं उससे माफी मांग लेती हूँ और एक नई शुरुआत करती हूँ। छोटी, ओ छोटी। हाँ भाभी बोलो। छोटी तू मुझे माफ कर दे, मैं भी पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल देती हूँ, मैं बहुत गलत हूँ, मुझे माफ कर दे। अरे भाभी आप माफी क्यों मांग रहे हो, आप माफी मत मांगो, आप बड़े हो, दो बातें बोल सकते हो। आपसे हम कभी नहीं लड़ेंगे और एक दूसरे को समझेंगे। चल ठीक है, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तू बैठ, मैं जा रही हूँ खाना बनाने, तू भी तो सारे काम करके थक जाती होगी। चल ठीक है, मैं जा रही हूँ, तू आ जाना आराम से, ओके? हेलो माँ, मैंने आपको सिर्फ इतना बताने के लिए फोन किया है कि जो आपने चमत्कारी पानी भेजा था उससे मेरी जिठानी सुधर गई है। बेटा तेरी जिठानी अच्छी ही है, और मैंने तुझे जो पानी दिया था वो कोई चमत्कारी नहीं था, वो तो नॉर्मल पानी था। जब जब तेरी जिठानी तुझसे कुछ कहती तू मुंह में पानी भर लेती ताकि तू कुछ बोल ना पाए। बेटा कभी कभी चुप रहना शांति का प्रतीक है, जब टकरार दोनों तरफ से हो तो बात बढ़ेगी ही, और एक अगर चुप हो जाए तो बात वहीं खत्म। हाँ माँ मेरी ही गलती है, मैं ही भाभी के सामने बहुत बोलती हूँ, पर अब से ऐसा नहीं होगा।
हम दोनों प्यार से रहेंगे। थैंक यू माँ।